नमस्ते सभी को। आज अष्टमी है और कई जगह आप लोग कन्या पूजन या कन्या जी माला ये सब भी कर रहे होंगे। मेरे घर के आसपास बहुत पूरी तरह की और चने और बच्चों की आवाजें आ रही हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसका महात्म्य भी जान लेते हैं। 8वें दिन में क्या होता है, सिद्धात्री देवी कौन है, उनकी क्या कथा है। तो हम 8 दिन तक जैसे कि एक प्रण लेके ध्यान कर रहे हैं देवी का, देवी को पूज रहे हैं, देवी के बारे में समझ रहे हैं, अपनी ऊर्जा को समझ रहे हैं, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रहे हैं। तो उस तरह से जब एक हमारे पे ब्लेसिंग्स आती है या कृपा होती है देवी की, तो 8वें दिन पे सिद्धात्री देवी जो है उनमें सिद्ध हो जाती है, या वो परफेक्ट हो जाती है, या हमें एक परफेक्शन आने की संभावना हो जाती है, हम भी एक परफेक्ट बीइंग की तरह हो सकते हैं। तो हिंदू मतलब जो सनातन धर्म है उसमें इस परफेक्शन का क्या मीनिंग है, क्या तरीके दिखाया गया है। तो परफेक्शन कैसे होता है कि हम कोई भी काम करें तो वो उसकी सफलता एक किस्म से निश्चित हो, ये हो सकता है सफलता। परफेक्शन ये भी हो सकता है कि हम हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, अबंडेंट हैं, हमारा परिवार सुखी है, ये सब भी हेल्दी अबंडेंस के सिद्ध होने के या परफेक्ट होने के सब लक्षण हो सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा है कि हम हमारे पास वो नॉलेज आ गई है कि हु एम आई, स्पिरिचुअल तरीके में क्या है कि हु एम आई, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ, मैं क्यों पैदा हुई हूँ, ये सब मेरे समझ में आ गया है और मैं दूसरों को भी ये समझाने लगी हूँ, मैं ध्यान करने लगी हूँ और एक दो लोगों को मैं बताने भी लगी हूँ कि भाई हम क्यों आते हैं, आप भी ऐसा कीजिए, मैंने ये प्रयोग किया, फिर मुझे ये हुआ और मैंने ये समझा तो मैं आपको ये समझाती हूँ। ये इस तरह की जो परफेक्शन है ये अपने में हमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि नहीं, अब मुझे इतना समझ में आया तो मैं लोगों को भी जो हमारे पास आ रहे हैं और इस इच्छुक है ये सब समझने के, उनको मैं समझाऊंगी। तो ये परफेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। जिस भी तरह से हम चल रहे हैं, हमारी जीवन शैली चलती भी है। तो सिद्धात्री देवी का जो सिद्धियां हैं उसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, किसी ना किसी सेशन में तो हमने ये सुना ही है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सिद्धात्री देवी के कौन कौन से जो गुण हैं वो हमें मतलब समझे जाते हैं कि वो उन्होंने उन पर सिद्धि प्राप्त के लिए कर ली है। तो आकार में जैसे एक बार हनुमान जी आकार में बड़े बन गए थे, एक बार छोटे बन गए थे, इस तरह के जो उसको बोलते हैं सिद्धियां, वे प्राप्त होने लगती। तो सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे मतलब पहले तो क्या कहेंगे, सिद्धि प्राप्त हो भी गई तो उसको किसी के लिए मिराकल बनाने के लिए या किसी को अचंभित करने के लिए नहीं, पर कहीं पर कोई कोई सत्कर्म हो रहा हो वहां पर प्रयोग करने के लिए ये सिद्धियां को यूज करना चाहिए। तो गरिमा यानी वजन को बहुत भारी करना, इसमें आपको वो याद होगा कि भीम एक बार गए, हनुमान जी बैठे थे, मतलब एक बंदर बैठा था, उन्हें ऐसा लग रहा था और वो उस बंदर की पूंछ भी नहीं खिला पाए। तो ये है कि अपने शरीर को भारी कर देना। लघिमा, वजन को इतना हल्का कर देना, इतना हल्का कर देना कि फेदर की तरह, या बहुत हल्का हो जाने की जो शक्ति है वो सिद्धि लघिमा। प्राप्ति किसी भी समय इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त कर लेना। तो अगर मैंने संकल्प किया है कि मैं ये स्पिरिचुअल स्पाइरल्स जो है वो 5,000 लोगों तक प्राप्त हो और मेरी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी परफेक्ट है, माँ सिद्धात्री का उस पर आशीर्वाद है, तो वो हो जाएगा। प्राकव्य, उड़ने से लेकर पानी पर चलने तक कुछ भी करने की शक्ति, यानी कि लाइट हो जाना और एक जो हम हमारे पास नॉर्मल लोगों के पास जो शक्ति नहीं है उड़ने की या पानी पर चलने की, वह शक्ति प्राप्त कर लेना। ईश्वर, तो सृष्टि के सभी तत्वों पर शक्ति, यानी कि आग पानी इस तरह की जो शक्तियां हैं उस पर हमारे पर सिद्धि प्राप्त करना। और यह वशित्व, सभी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति और जीवन को मृत्यु पर शक्ति। तो ये शक्तियां आदिकाल से ये सिद्धियां या ध्यान
जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ये सिद्धियां मानी जाती है। लेकिन समय के अनुसार अपने प्लेस के अनुसार सिद्धियों को हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि कम से कम पत्री जी ने, जो हमारे गुरु हैं, सभी के गुरु हैं, उन्होंने ये कहा कि जब हम कुछ जान लेते हैं तो दूसरों को सिखाएं। ये एक सिद्धि भी, ये भी एक सिद्धि है कि हम एक डूअर या नोअर से एक क्रिएटर की बनने की तरीका है। कि पहले हम जैसे अनजान है किसी भी चीज से, हमें पता ही नहीं है कि ध्यान द्वारा भी कुछ हो सकता है, तो हम अज्ञानी माने जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे, जैसे कोई वर्कशॉप में जा रहे हैं, कोई किताबें पढ़ रहे हैं, बारंबार वो किताबें पढ़ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, उस ऊर्जा में रह रहे हैं, और लगातार हमने साधना की है। साधना का अर्थ कि ध्यान, किताबें पढ़ी हैं, स्वाध्याय किया है और सज्जन संगति की है, अर्थात कि ऐसी संगति जहाँ पर ध्यान के बारे में बात हो रही है, हमने तीनों चीज की है। तब हमें धीरे धीरे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। और कल मैं जो बता रही थी कि हमारे बिलीफ सिस्टम पर जो भी एक पर्दा सा है वो उठने लगता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक माया है, लेकिन मुझे इस माया में रहना है, यानी संसार में निर्वाण करना है, कहीं यहाँ से भाग नहीं जाना है। लेकिन जो हमारे साथ के लोग हैं, या मुझे भी अपनी जो नॉलेज है, विजडम है, वो बढ़ाते रहना है और लोगों को भी बताते रहना है जो मेरे पास आए। तो वो एक किस्म की सिद्धि है, वो एक किस्म का एक परफेक्शन है। तो माँ सिद्धात्री, जो भी हमने पढ़ा कि ये सारी उसकी महिमा, लघुमा, ये एक कुछ कुछ लोगों को प्राप्त भी हुई है। कई लोग आपने सुनी भी होगी कहानियां कि उनको प्राप्त हुई है, लेकिन हम जिस तरह से चल रहे हैं वो हमारी परफेक्शन कहाँ पर आएगी, जब हम एक एक पर्सन को भी, 2%, 5%, 1,000 लोगों को बता सकें कि भाई ध्यान क्या है। तो वो एक रक्त बीज, लेकिन रक्त बीज क्या था, हानिकारक था। और हम कैसे हो रहे हैं, हम भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ध्यानियों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हु एम आई का कॉन्सेप्ट को उनको ये समझा रहे हैं कि हु एम आई, हम सिर्फ एक शरीर ही नहीं, हम एक आत्मा है। ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हमें अपने अंदर, अपने लाइफ पर्पस को जानने का एक इच्छा शक्ति होती है। सारे हम जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक इच्छा शक्ति से निर्माण होती है कि मैं अपने आप को जानूं, मनुष्य, ये धरती माँ क्या है, ये सारी शक्तियां क्या है, ये नवरात्रि क्या है, गॉडेस एनर्जी, मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन क्रोध के बारे में भी हमने इन नवरात्रि में सीखा। तो इस तरह की इच्छा करने लगती है, तो वो भी एक परफेक्शन की ओर हम जा रहे हैं, ऐसा मैंने समझा। और वो सारी शक्तियां जिसको कि किसी को अचंभित करने में या किसी को दुख पहुंचाने में, उन सिद्धियों का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, या सोचना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह माँ सिद्धात्री देवी ने ये सिद्धियां प्राप्त की। कोई भी देश काल में सिद्धियां अलग हो सकती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे कि कभी किसी जमाने में यहाँ से वहां जाने में, उड़ के जाने में एक सिद्धि हो सकती है, लेकिन आज हम 4,000, 5,000 रुपए में भी एरोप्लेन से जा सकते हैं, यानी कि वो सिद्धि सभी को प्राप्त हो गई ना, उड़ने की सिद्धि सभी को प्राप्त हो गई है, या ये कह सकते हैं कि 50% जनता को तक प्राप्त हो गई है। तो उस सिद्धि के पीछे लगना इस देश काल में, इस काल में कोई जरूरत नहीं है। इस काल में ये जरूरत है कि कोई मतलब भूख पर भी एक किस्म से नियंत्रण सा पा गया है। मतलब मैं ये नहीं कह रही स्टेटिस्टिक्स में अभी भी कि कई बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन कपड़ा, पानी, खाना, ये उपलब्ध हो, और फिर अगर ये उपलब्ध हम करा सकते हैं तो ध्यान की जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराएं, ताकि मनुष्य जो है, हम ज्यादातर लोग जो कपड़ा, रोटी, मकान, भूख पर अपनी विजय पा चुके हैं या उतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अमूल धारा की, या एक बेस सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, बेस खाना पीना, रहने की जगह, इस तरह की सिद्धि प्राप्त, उन्हें ध्यान के बारे में पता। तो इस तरह हम माँ सिद्धात्री देवी को समझेंगे, जानेंगे उनका छवि में, कैसे वो मतलब
कैसे वहां पर बताया जाता है वो भी हम मैं एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ कि माँ सिद्धात्री देवी कैसे दिखती हैं कैलेंडर में या पेंटिंग्स में या मूर्तियों पे। तो इस तरह दिखाई देती हैं। ये एक किस्म से उनको नव विद्या नव जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, तो इस तरह के लोग उनसे डरे हुए हैं। देखिए आपको नॉलेज प्राप्त होगी तो लोग डरेंगे नहीं, पर डरे नहीं भी तो आपसे दूर रहेंगे या आपको आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह की पेंटिंग कैलेंडर पेंटिंग हमें दिखाई देती है। लोटस लोटस पे बैठने का अर्थ आप समझे ही रहे होंगे कि हर चक्र के जब एक किस्म से वो एक्टिवेट हो जाता है, एक एक चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो वह उसका प्रतीक होता है। लोटस उसका प्रतीक होता है कि बेस से कीचड़ से उगते हुए हर पंखुड़ी खुलती रहती है। तो बेस वहां पर वो लोटस पे बैठी है परफेक्शन की देवी, क्योंकि उनके हर चक्र जो है परफेक्टली एक्टिवेटेड है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है समझा नहीं है, पर उनकी छवि को देख के ये आप भी समझ सकते हैं या कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा तभी मुझे ये सब। तो इस तरह के जो और भी कि ये 6 लोग उसके आस उनके आसपास कौन उनसे विजडम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साधु है जो स्टूडेंट है जो एक किस्म से योगी है राजा है, सभी लोग उनसे एक किस्म से डायरेक्शन गाइडेंस ब्लेसिंग्स नॉलेज विजडम प्राप्त करने के लिए आतुर है। एक बार आप में वो खुशबू आ जाती है कि भाई हाँ ये पर्सन जानता है, इसने कुछ हुए माई की जो सिद्धि है वो प्राप्त कर ली है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपके पास भी कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर आएंगे और फिर आप जितना आपका हो सके आपको जितनी नॉलेज हो उतना आप बताइए और निरंतर विजडम में लीन रहिए। यही हमारा एक सिद्धि है, सिद्धि की ओर बढ़ने का तरीका है। और माँ सिद्धात्री को फिर से प्रणाम कि आज हमने उनके बारे में सोचा समझा और उनके ही एक किस्म से उनके परफेक्शन को मतलब सराहते हुए हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे। तो मैं म्यूजिक लगा दूंगी, आप भी अपने मन में परफेक्शन को आपके दिल में दिमाग में किस तरह से हम परफेक्शन ला सकते हैं, इस तरह की कोई मनोकामना हो या कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर आप परफेक्शन आ गए हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। आंखें बंद। तो ये आवाज पत्री जी की है। स्थिर सुखासन, ऐसे आसन में बैठे चाहे कुर्सी में चाहे जमीन में। या आहिस्ता से आंखें बंद। संगीत चलता रहेगा पर आपने ध्यान सांस पे देना है। आती जाती सांस। कुर्सी में बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर लें, हाथ को एक दूसरे को ऐसे उंगलियों को क्रॉस करते हुए गोद में रख लें। नवरात्रि के 8वें दिन में माँ सिद्धात्री देवी की के बारे में हमने सुना, अब हम ध्यान कर रहे हैं।
ध्यान के जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी जिसे हम मानते हैं, उसमें परसीवरेंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि हम लगातार रोज 1 घंटा, 3 घंटा ध्यान में लगाएं। और इसमें कुछ अगर जैसे कमर में दर्द हो रहा है या नींद आ रही है, इस तरह की जो भी, या कभी पसीना आ रहा है, कभी भारीपन हो रहा है, कभी हल्कापन लग रहा है, ये होते हुए भी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से हमें अपने ध्यान पे, ध्यान की स्थिति में आ जाना, ये परसिवरेंस का, ये सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है। क्योंकि अड़चनें आएंगी, डिफिकल्टी आएंगी, परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करने में हमें लगातार किसी चीज पर ध्यान में, ध्यान के साथ रहना है, सांसों के साथ रहना। सांस पे ध्यान इसलिए रहते हैं कि उससे विचार कम हो जाए। सोचने में जो शक्ति जाती है, एनर्जी, ऊर्जा जो जाती है, वो कंजर्व हो, वो शरीर के बाहर ना जाए, कंजर्व हो। आंखें बंद हैं, काम से हम ज्यादा कुछ सुन नहीं रहे, और विचारों पर भी रोक है, या वो कम होते जा रहे हैं। तो मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ गिनना नहीं, सांस के साथ रहना है, आती जाती सांस, यही सिद्ध प्राप्त करने का तरीका। मन में कोई छवि नहीं लानी है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है, बल्कि अगर हमारा ध्यान कहीं और भटक के, तो धीरे से फिर से सांस पे ले आना।
आंखें बंद और सांस पे ध्यान। यह नवरात्रि का समय हमें अपने अंदर के जो पोटेंशियल है, जो ऊर्जा है, उसको उसके साथ दोबारा से हम जोड़ सकें, इसका समय है। साल में 2 बार आती है और हमारे अंदर की जो थकान है, जो डाउट है, जो इल्यूजन्स हैं, जो प्रश्न है, उसको धोने के लिए ये समय मिलता है 9 दिन का, कि उस देवी ने किया तो हम भी कर सकते हैं। ये प्रेरणा देती है वो देवी। एक होता है पूजा करना और दूसरा होता है मोटिवेट होना। हम अपने लेवल पे, जहां पर हम हैं, उस लेवल से आगे बढ़ेंगे, सिद्धि हम प्राप्त करेंगे। यही माँ सिद्धात्री देवी का संदेश है, मोटिवेशन है, गाइडेंस है। आप अपना ध्यान जारी रखें। थोड़ी देर में ये संगीत कम हो जाएगा, बंद कर दूंगी मैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको माँ सिद्धात्री देवी की कोई कहानी पता हो या आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो, जरूर बताएं, साझा करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते।